व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए बड़ी ही दुखद घटना है यहाँ पर। 24 फेब को श्रीदेवी जी की डेथ हो गई हार्ट अटैक की वजह से। पर लेकिन देखिए, इंसान कितने दिन जिंदा रहता है ये इंसान के हाथ में नहीं है, पर जितने दिन जिंदा रहता है उस लाइफ को किस तरीके से यूटिलाइज करता है और अपनी लाइफ को किस तरीके से डेडिकेट करके अपने लिए भी और सोसाइटी के लिए भी कुछ ऐसा करके जाता है कि मरने के बाद में भी अगर इंसान जिंदा रहे वही असली जिंदगी कहलाती है। बहुत सारी मूवीज आप लोगों ने इनकी देखी होगी, पर अभी जो इनकी सबसे बाद में जो मूवी आई थी अभी इंग्लिश विंग्लिश आप लोगों ने देखी होगी, बहुत ही शानदार मूवी थी। नहीं देखी है तो देखकर जरूर देखिएगा जाकर किस तरीके से इंग्लिश का हवा हमारी सोसाइटी में बनाया जाता है और इन्होंने अपने आप को किस तरीके से उस जो हवा बना रखा था अपने आप को उबार के लेके आई है, कितना कुछ इन्होंने डेडिकेट किया उसके लिए, अपने आप को उस माहौल में ढालने के लिए। तो इनसे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप लोगों को एज ए पर्सनैलिटी इनके बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम के लिए ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो बस ये पद्मश्री इनको मिला था 2013 में। तो ये कुछ बातें थी, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। टाइम मिले जब भी ये इंग्लिश विंग्लिश मूवी जरूर देखेगा, काफी कुछ आप लोगों को इससे सीखने को मिलने वाला है। आज है 26 फेब, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पीआईबी योजना, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज, प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस, और जो कल क्वेश्चन मैंने पूछे थे मतलब लास्ट लेक्चर में, उनके आप लोगों को आंसर भी मिलने वाले हैं। आइए तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो की जो न्यूज है उनके बारे में, एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पहले यहाँ पर देखते हैं, अभी आप लोगों ने कल नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनी होगी तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था। इस तरीके की बात आप लोगों से पूछी जा सकती है। आप लोगों को एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में पता होना चाहिए, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। पर लेकिन एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, यहाँ पर 3 गांव थे, आजादी के 70 साल में हम लोग बैठे हुए हैं पर आज तक भी वहां पर बिजली नहीं पहुंची थी, पर लेकिन अब यहाँ पर बिजली पहुंचा दी गई है। तो एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। और हाँ, एक बात और आप लोग, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर इसको याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, पर लेकिन अगर स्टेटमेंट के बेस पर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग याद आ जाएंगे। यहाँ पर नाम है तीनों गांव के, राजबंदर, मोरबंदर और सैंत बंदर। तो गांधी जी के 3 बंदर आप लोग याद रख सकते हैं। ये गांव के नाम पर आप लोगों को अगर कोई स्टेटमेंट दिखेंगी तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे, आप लोग स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा बता सकते हैं। अब थोड़ा सा एलिफेंटा गेव के बारे में आप लोग जान लीजिए। इनकी लोकेशन जब आप लोग देखेंगे तो ये आप लोगों को मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। ओके, एक तो बात ये होगी। दूसरी बात आप लोगों को क्या पता होनी चाहिए, ये डेडिकेटेड किसके लिए है, ये गौड़ शिवा के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, तो शिव भगवान के लिए डेडिकेटेड है ये, तो इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए अगर न्यूज में आती है तो। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर कोई इंसान अपने पे कुछ करने पे आ जाए तो वो करके गुजर जाता है, कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल उदाहरण आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात की जा रही है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं, स्वच्छता भारत अभियान के अंतर्गत झारखंड की, झारखंड में 15 लाख महिलाओं ने संगठित होकर एक माह के अंदर अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, 26 जनवरी से लगभग स्टार्ट किया गया था, अभियान चलाया गया था और यहाँ पर 1,70,000 शौचालय इनके द्वारा बना दिए गए। शौचालय की वजह से देखिए बहुत ज्यादा बीमारी हमारी सोसाइटी में फैलती है, तो कम से कम अगर हम इनको कंट्रोल कर पाते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। और हमारा टारगेट भी है, कब है टारगेट ये आप लोग याद रख सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के दिन में आप लोगों को 2019 तक यहाँ पर कंप्लीट करने का टारगेट है। अपनी कंट्री को यहाँ पर जो ओपन में जो खुले में शौच होता है उससे फ्री करने की बात की जाती है, तो कितना इसको अचीव कर पाते हैं वो तो देखने की बाद में बात पता चलेगी, पर लेकिन सबको मिलकर अगर काम कर पाएंगे तभी यहाँ पर ये हम इस जो कुरीति है इससे दूर हो पाएंगे। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ये डेट जरूर याद रखिएगा, पूछी जा सकती है एग्जाम में। नेक्स्ट, ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग देखेंगे, बात की जा रही है ग्लोबल होस्ट फॉर द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2018, तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2018 की जब बात की जाती है तो आप लोगों को सबसे पहले तो डे के बारे में पता होना चाहिए, डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, खासकर जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर फोकस देकर चल रहे हैं एनवायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाने के लिए। और सेकंड, आप लोग यहाँ पर मिनिस्टर का नाम भी याद रख सकते हैं, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आ रहा है, तो यूनियन मिनिस्टर यहाँ पर हर्षवर्धन जी हैं, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो मिनिस्ट्री का भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पर थीम की, यहाँ पर थीम की बात की जा रही है, प्लास्टिक को कम से कम यूज करना है, मतलब प्लास्टिक को किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन को यहाँ पर कम करने की बात की जा रही है, 2018 की थीम है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुका हूँ, क्या क्या नुकसान हमारी कंट्री में हो सकता है, 26 जनवरी को मैंने वो वीडियो भी पोस्ट की थी, आप लोग जाकर देख सकते हैं क्या हरकत करता है अगर हम लोग प्लास्टिक को कम नहीं करते हैं। इसीलिए मैं लेक्चर के एंड में भी आप लोगों से बात करता हूँ हमेशा कि प्लास्टिक और पॉलिथीन वगैरह जो है कम से कम यूज कीजिए, जहां तक आप लोग हो सकता है उसको यूज करने से अगर बच सकते हैं तो उससे बचिए,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल आप लोग अपना जैसे पैकेट लेके आते हैं दूध के, कि पैकेट ही लाना बंद कर दीजिए। जहां तक पॉसिबल हो सकता है, सब्जी लेने जा रहा है थैला लेके चला जाइए, या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं अपने कपड़े वगैरह लेके आते हैं तो बैग रखिए अपना, उसमें लेके आ जाइए, अलग से पॉलिथीन मत लीजिए वहां से। तो इस तरीके से अपने अपने लेवल पर छोटा छोटा काम हम लोग कर सकते हैं, तो उसके लिए कम से कम हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैंने बोला था आप लोगों को कम से कम 2 या 3 आदमियों को अपने अपने आसपास के, जो आप लोगों को लगता है कि आपकी बात मानते हैं, उनको भी आप लोग ये काम करने के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। ओके, तो याद रखिएगा 5 जून हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो एनवायरमेंट हमारा पर्यावरण जो है उसको किस तरीके से हम लोग एक अच्छा पर्यावरण बना सकते हैं, उसके लिए यहां पर प्लास्टिक को बंद करने की बात की गई। क्योंकि जब ये आती है यहां पर, हम इसको बना देते हैं ये धरती पर, आप लोगों को देखने को मिलेगा ये गलती नहीं है, ये डिग्रेडेबल मटेरियल नहीं है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं है। बहुत लंबे समय तक हमारी यहां से कई सारी जनरेशन चली जाएगी, पर लेकिन पॉलिथीन वो यहीं पर ही रह जाएंगी। तो इतनी खतरनाक ये एनवायरमेंट के लिए है, तो इसीलिए इनको कितना ज्यादा हम लोग कम कर सकते हैं उसी के ऊपर फोकस देने की बात कर रहे हैं। और सेकंड बात क्या आती है, अगर आप लोग फोकस देकर देखेंगे ओशन पर, तो आज की डेट में ओशन में इतनी सारी प्लास्टिक रहती है, मछलियां खा खाकर उनको वो भी बर्बाद होती जा रही है। और फिर आज की डेट में जो भी यहां पर नॉनवेज खाता है मछलियां वगैरह, तो उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ये एक साइकिल बन चुकी है, कहीं ना कहीं प्लास्टिक हमारे अंदर जा रही है इनडायरेक्ट वे में, अगर आप लोग देखेंगे तो एनवायरमेंट को, वाटर को हर एक तरीके से पोल्यूट कर रही है। तो कोशिश कीजिए इसको कम से कम करने की, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी, खासकर जब दार्जिलिंग में दंगे हुए थे, उस टाइम की बात की जा रही है। जब दार्जिलिंग में दंगे हुए तो हमारी सेंट्रल आर्म फोर्स वहां पर भेजी गई। सेंट्रल आर्म फोर्स भेजने के बाद में फिर उसको विड्रॉ करने की बात आ गई। जब उसको विड्रॉ करने की बात आई तो यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने बोला कि इसको विड्रॉ नहीं करना है, अभी यहां पर जो हालात है वो अच्छे नहीं है। तो वह सेंटर ने बोला हम विड्रॉ करेंगे, अब वहां पर हालात अच्छे हो गए हैं, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेज की और जगह भी जरूरत होती है, अलग अलग जगह कभी इलेक्शन हो रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम पड़ जा रही है। तो ये बात निकलकर सामने आई, स्टेट गवर्नमेंट क्या किया, उसने वो चली गई कलकत्ता हाईकोर्ट में। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसको रोक दिया कि आप लोग अभी सेंटर को बोल दिया कि आप लोग अभी इनको विड्रॉ नहीं कर सकते, इनको यहीं पर रहने दीजिए, तब तक यहां पर नॉर्मल कंडीशन नहीं बन जाती है। तो अब सेंटर ने यहां पर सेंटर गया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने विड्रॉ करने के लिए अलाउ कर दिया है कि आप अब वहां से उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो एट्थ नेक्स्ट मंथ की जो 8th है वहां से उसको विड्रॉ कर दिया जाएगा, यहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग आप लोग देख सकते हैं वेस्ट बंगाल यहां पर पड़ता है, ये हो गया वेस्ट बंगाल वाला रीजन, ये वाला एरिया आप लोग यहां पर दार्जिलिंग देखने को मिलेगा, सिक्किम के आसपास वाला एरिया खासकर आप लोग बोल सकते हैं यहां पर। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये काफी फेमस, आप लोगों ने दार्जिलिंग टी का नाम सुना होगा, वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड आप लोग इसको फेमस बोल सकते हैं, हमारी कंट्री में ये इस तरीके से फेमस है। तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए, खासकर जब जियोग्राफिकल इंडिकेटर की बात आती है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन की बात आती है, तो इस तरीके की चीजें आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है। ओके, तो ये पॉइंट है, इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए दार्जिलिंग लोकेशन क्या होती है, और दार्जिलिंग के बारे में थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट, कई सारे फैक्ट्स दार्जिलिंग से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। ओके, आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। यहाँ पर ज्वाइंट रिसर्च क्लीन वाटर के ऊपर और क्लीन एनर्जी के ऊपर बात की जा रही है। क्लीन वाटर आप लोग देखते हैं वाटर का पोल्यूशन घटाना, और क्लीन एनर्जी की बात जब बात आती है उसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब विंड एनर्जी हो गई आप लोगों के लिए, सोलर एनर्जी हो गई, तो इसको क्लीन एनर्जी बोला जाता है। इसके ऊपर वर्क करने की बात की जा रही है इंडिया के द्वारा और यूके के द्वारा, दोनों मिलकर इसके ऊपर ज्वाइंट रिसर्च करेंगे, और क्या क्या यहाँ पर सोसाइटी के लिए फायदा पहुंचाया जा सकता है इससे, उसके ऊपर वर्क किया जाएगा पूरा। तो इसके ऊपर बारे में याद रखिएगा, बात की जा रही है प्रोजेक्ट को यहाँ पर वाटर क्वालिटी रिसर्च एंड एनर्जी डिमांड रिडक्शन इन द, जो एनवायरमेंट को अगर नुकसान पहुंचाती है उससे यहाँ पर फोकस देकर चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा, लॉन्च किया गया डॉक्टर वी के सारावत के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट जो बात है यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, कितना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बैंक वगैरह में, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं एसएससी वगैरह में। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए ये यहाँ पर कितनी बात की जा रही है, 15 मिलियन पाउंड यहां पर यूज किया जाएगा। ये पाउंड की सिग्नेचर आप लोग देखते हैं, पाउंड का साइन है यहां पर, जब यूरो की बात आती है तो ये वाला साइन होता है, डॉलर का ये वाला साइन होता है, और रुपी का तो आप लोगों को पता होगा ये वाला साइन होता है। कुछ ये आप लोग सिंबल भी यहां पर याद रख सकते हैं अगर आप लोगों से कोई पूछे तो। ओके, तो यहां पर याद रखेगा इंडिया और यूके के द्वारा यहां पर वाटर और एनर्जी को क्लीन करने की बात की जा रही है, ज्वाइंट वेंचर है, दोनों का मिलकर काम करेंगे, इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा, और जब भी यहां पर किसी गोल पर पहुंचते हैं तो उसको यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहां पर पाउंड यूज होंगे यहां पर 15 मिलियन। ओके, इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव करने की बात की जाएगी, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, मैं आप लोगों को कई बार दिखा चुका हूं, अब तो आप लोगों को रट भी गए होंगे वो, ठीक है। तो आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात है यहाँ पर देख लेते हैं कावेरी रिवर के बारे में, काफी न्यूज में, खासकर जब से बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो थोड़ा लोकेशन के साथ साथ में आप इसको समझ लीजिए, आपके माइंड में थोड़ा मैप भी इसका क्लियर होना चाहिए।
आप लोग देख सकते हैं दो स्टेट यहां पर मेन है, एक तो हो गया यहां पर क्या कर्नाटका और दूसरा हो गया तमिलनाडु। ज्यादा एरिया की बात करें तो आप लोग यहां पर तमिलनाडु देखने को मिलेगा। कावेरी आप लोग देखते हैं ऐसे भी लिखा जाता है और यहां पर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, और इसको लोकल लैंग्वेज में इसको पोनी भी बोला जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा कई बार लोकल लैंग्वेज का नाम पूछ लिया जाता है, खासकर जब बात आती है एग्जाम की, तो बोल देते हैं कि ये किस रिवर के बारे में बात करें, तो डायरेक्ट ना बोल के आप लोग को ये नाम दे देंगे और बोलेंगे किस किस स्टेट के बीच में लड़ाई चल रही थी अभी, तो आप लोग याद रखिएगा। चार नॉर्मल तो चार एरिया आते हैं यहाँ पर, कर्नाटका होता है, तमिलनाडु होता है और इसके अलावा केरला होता है और पुडुचेरी होता है, नॉर्मली चार आते हैं, पर लेकिन जो मेन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके बेनिफिशियरी हैं वो है यहाँ पर कर्नाटका और तमिलनाडु, तो इनके बीच में काफी लंबी लड़ाई चली थी। अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, वहां आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूं, पुराने लेक्चर जाकर देखिएगा, पूरा डिसीजन में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कितना कितना वोटर कहां पे होता है, सारी चीजें बताई थी, उसके बारे में थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, रिविजन करते रहिए। देखिए इसीलिए मैं बोलता हूं जो आज का पढ़ा देता हूं वो तो आप लोगों को याद रह जाता है, पर लेकिन जैसे आप लोग एक वीक का पीछे जाके देखेंगे ना, ये संडे का ऑफ इसलिए कम से कम रखा जाता है ताकि आप लोग रिवाइज कर सके चीजों को, क्योंकि अगर पीछे का रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर आगे चलते रहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। संडे में जैसे ही ऑफ रहता है आप लोगों का, आप लोग उसका रिवाइज कर लिया कीजिए, एक बार चीजों का रिविजन कर लिया कीजिए, चीजें फिर माइंड में सेट हो जाती हैं। ओके, तो बात की जा रही है कहां से ओरिजिनेट होती है, तो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, कई बार लोकेशन पूछ ली जाती है एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो यहां पर ये है, यह है टाला कावेरी, तो इसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, यहां पर कर्नाटका में पड़ता है ये, इसके अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये यहां पर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां पर कावेरी डेल्टा बनाती है, बहुत बड़ा डेल्टा यहां पर बनाती है और ये फर्टाइल रीजन होता है काफी, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है डेल्टा, ये ऐसा बनता है, ठीक है ना, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये मैथ में नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता होगा। तो इस तरीके आप लोगों को देख सकते हैं यहां पर, इस तरीके से पानी मतलब क्या होता है डेल्टा का मतलब, जब रिवर जाती है यहां पर, जब किनारे पे जाकर मतलब किनारे से जाकर जब ओशन में मिलती है तो कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है, कई ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कई इस तरीके यहां पर डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है, डिवाइड हो जाती है कई, ठीक है ना। और थोड़ा डिफरेंस याद रखिएगा आप लोग, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी क्या होती है, अगर कोई पीछे से रिवर आकर मिल रही है इस तरीके से और इसको बढ़ा रही है और आगे, तो ये होती है ट्रिब्यूटरी, और जब रिवर जाकर डिवाइड हो जाती है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, तो ये डिफरेंस भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है खासकर जब बात आ जाती है जम्मू और कश्मीर वाले हमारे रीजन की, काफी इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे लिए और हमारा एरिया काफी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको बोल सकते हैं, कई बार इसको स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है इंडिया का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा आप इसको याद रख सकते हैं। यहां पर एक इनिशिएटिव चलाया गया है वतन को जानो, मतलब अपनी कंट्री को जानो, हमारी कंट्री को जानो, मतलब हम सबको मिलकर अपनी कंट्री के बारे में जानना चाहिए, कहने का मतलब ये है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, मिनिस्ट्री का आप लोगों से नाम पूछा जा सकता है, और किसके लिए स्टार्ट किया गया है तो ये भी पूछा जा सकता है, जम्मू और कश्मीर के लिए। स्टेटमेंट डायरेक्ट बन सकती है, आप लोगों को बोल देगा कि कहां के लिए है, नॉर्थ ईस्ट के लिए है, स्टेटमेंट में बोल देगा किसी की स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है, तो किसी और मिनिस्ट्री का आप लोगों को नाम दे देगा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो कुछ भी स्टेटमेंट देकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या दी जा रही है, जो यंग है यहां पर वो पार्टिसिपेट करेंगे और अलग अलग सिटी, आगरा, जयपुर, अजमेर, दिल्ली, अलग अलग सिटीज में उनको घुमाया जाएगा, लोगों से इंटरेक्शन किया जाएगा ताकि एक अच्छे लेवल पर एक दूसरे को जान सके, ऐसा ना लगे कि इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा ना लगे कि एक दूसरे को सेपरेट करके रह रहे हैं, ऐसा ना लगे कि कोई दूसरे लोग यहां पर आ गए हैं, एक दूसरे मिलकर हैं, जाने कंट्री के बारे में, कल्चर के बारे में जाने। तो देखिए बच्चों में अगर स्टार्टिंग से ही ये बातें डाली जाएगी, स्टार्टिंग से उनको बताया जाएगा कि हमारी कंट्री इस तरीके से और ये हमारी कंट्री है, मिलजुल कर सबको ले रहना है, सबको आगे लेके चलना है, तो काफी अच्छे लेवल पर हम स्टार्टिंग के जो फेज होता है बच्चों का, वो कहते हैं कि बच्चा स्टार्टिंग में बिल्कुल कोरे कागज के तरीके से होता है, जो कुछ आप उस पर लिखोगे वही लिखा जाएगा, जिस भी फील्ड में आप उसको डालना चाहोगे उसी फील्ड में वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे उसके अंदर आप लोग प्रवृत्ति क्रिएट करना चाहोगे वैसी प्रवृत्ति हो जाएगी, चोर बनाना चाहोगे चोर बनेगा, पुलिस बनाना चाहोगे तो पुलिस बनेगा, तो जिस तरीके से आप लोग जैसा एनवायरमेंट प्रोवाइड कराओगे वैसा ही बच्चा बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग जान सकते हैं अगर देश के लिए अच्छी भावनाएं मन में डाली जाएंगी तो आने वाले टाइम में देश को तोड़ने का नहीं देश को जोड़ने का काम करेंगे ये बच्चे, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोग बांध सकते हैं इस तरीके का इनिशिएटिव यहां पर स्टार्ट किया गया है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट, कई बार कई सेंटर्स के बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाता है, कई इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आज हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, तो कहां पर लोकेटेड है, पहले लोकेशन का आप लोगों को पता होना चाहिए, न्यू दिल्ली में, ठीक है, तो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, हिंदी में आप लोग देखते हैं इसको ऐसे लिखा जाएगा। दूसरी बात आप लोग यहां पर याद रखते हैं मिनिस्ट्री के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, तो इसलिए जो हिस्ट्री का पार्ट है कल्चर का आप लोगों का, वहां पर भी आप लोगों से इस तरीके क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। कई तरीके आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, आर्ट कलाएं कई तरीके आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर, और ये जो स्टैब्लिश किया गया था इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेगी, और जो फर्स्ट फाउंडिंग डायरेक्टर थे यहां पर वो थे कपिला, ये आप लोग वाच से यान यहां पर एज ए फाउंडिंग डायरेक्टर इसका नाम याद रख सकते हैं। फिर इसको लास्ट में चल के बाद में इसको इनॉग्रेट किया गया, किसके द्वारा, ये प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के द्वारा 19 नवंबर 1985 में इसको इनॉग्रेट किया गया। कहीं ना कहीं देखिए इस तरह की चीजें क्यों बनाई जाती है, आप लोगों के माइंड में ये बात आ रही होगी,
हम लोग क्या रहते हैं, इसीलिए बोला जाता है, मैं आप लोगों को रिवीजन करने के लिए बोलता हूँ, तो आप लोग इसको भी एक रिवीजन ही बांध सकते हैं। मतलब हमारी कल्चर के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। मान लीजिए आज तो हम लोग इसको बना के चले गए, अब नेक्स्ट जनरेशन कैसे जानेंगे, आने वाली जनरेशन की हमारी कंट्री में क्या क्या था, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें वो देखेंगे और जानेंगे, उससे कनेक्ट हो पाएंगे अपनी कंट्री के बारे में जानकर कि हाँ ये चीज़ें हमारी कंट्री में रह चुकी हैं पास्ट में। तो उनको यहाँ पर कुछ जानने को मिलेगा, कुछ बताया जाएगा, कुछ समझाया जाएगा, एज ए गाइड के तरीके से उनको गाइड किया जाएगा, तो तभी तो जाकर हम लोगों से सब कनेक्ट हो पाएंगे आने वाले टाइम में। वरना आज की डेट में इतनी ज्यादा हम लोग अपनी ही जिंदगी में आज की डेट में लीन हो गए हैं कि दूसरी चीजों पे हम लोग फोकस देते ही नहीं है। तो सारे एलिमेंट्स, फायर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड वेजिटेशन, सबके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, खासकर किस किस तरीके से क्या क्या टाइम में क्या क्या चीजें यूज होती हैं। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप लोग इसको जाकर एक बार घूम के जरूर आइएगा, आप लोग काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जानने को मिलेगी। एक बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो हमारी कंट्री में कोयला है वो अब तक गवर्नमेंट के हाथ में था, पर लेकिन अब उसको प्राइवेट के हाथ में भेज दिया गया है। ठीक है, मतलब अभी कैबिनेट का डिसीजन आया है, अभी प्रोसेसर स्टार्ट होगा, आने वाले टाइम में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो कोल इंडिया लिमिटेड के अंडर में लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा जो गवर्नमेंट के हाथ में लगभग 80% आउटपुट यहां पर रहा करता था, पर लेकिन अब यहां पर प्राइवेट के हाथ में भी चीजें जाएंगी। तो आप लोग कई सारी बातें यहां पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा न्यूज में रहता है, तो आप लोग यहां पर इसके बारे में भी पता होना चाहिए। बात की जा रही है ग्राहक सड़क कोयला वितरण ऐप, तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर इस तरीके का ऐप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सप्लाई करेगा, कहाँ से कोयला कहाँ पर जा रहा है उसको मॉनिटर करने का काम करेगा, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा है कोयला काला होता है और काला यहाँ पर इसके अंदर धंधा भी किया जाता है। मतलब बहुत ज्यादा कोयला इधर उधर कर दिया जाता है, पता नहीं चलता है, ब्लैक में बेचा जाता है, इधर उधर मार्केट में निकाल दिया जाता है, तो गवर्नमेंट के साथ साथ में एनवायरमेंट का भी नुकसान यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, तो पहले कहाँ से निकल कर आ रहा है, कहाँ तक जा रहा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी, प्रॉपर वे में उसको मॉनिटर किया जाएगा, एक मतलब एक तरीका ट्रैक रिकॉर्ड रखने का ये काम करेगा, अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें यहां पर होती है तो उसको यहां पर रोकने का काम करेगा। तो इसके बारे में आप लोग यहां पर थोड़ा याद जरूर रखिएगा। तो इस तरीके की बातें पूछी जा सकती हैं कई बार कि किससे रिलेटेड है और क्या काम ये करने वाला है। ठीक है, तो आइए अब आगे चलते हैं। सोफिया जी हमारी काफी न्यूज में थी, इनके बारे में थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट है, आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को इसके बारे में दो इन्फॉर्मेशन कम से कम याद होनी चाहिए। अभी वर्ल्ड कांग्रेस यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनॉग्रेट की गई थी हैदराबाद में, वहां पर इसको दर्शाया गया। ठीक है ना, तो वर्ल्ड कांग्रेस के बारे में याद रखेगा हैदराबाद में अभी। ठीक है, दूसरी बात क्या है, सोफिया जो ये रोबोट है इसको यहां पर सिटीजनशिप दी जा चुकी है सऊदी अरेबिया के द्वारा। जी हाँ, ये एज ए पर्सन भी ये आज की डेट में सोफिया जो है सऊदी अरेबिया की सिटीजन है। ठीक है, तो इस तरीके की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वर्क करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप लोग सीधा सीधा मतलब अगर नॉर्मल भाषा में आप लोगों को बताना चाहूं तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, आप लोग अपना जैसे लैपटॉप खुला छोड़ देते हैं तो कुछ देर के बाद में आपका लैपटॉप क्या होता है, वो आप लोगों को स्लीप मोड पे जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप लोग बैटरी सेव करना चाहते हैं। तो ये इस तरीके जो यूज होते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही आप लोग यूज बोल सकते हैं। मशीन अपने आप वर्क कर लेती है, अपने आप को सही कर लेती है। कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप लोग अच्छी सर्विस प्रोवाइड ले रहे हैं, अच्छी सर्विस ले रहे हैं किसी भी कंपनी की, तो आप लोग ऐप वगैरह या फिर कई सारे अपडेट्स वगैरह आप लोगों के लैपटॉप में अपने आप ही होते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का सिस्टम प्रोवाइड कराना कि मशीन अपने ऊपर अपने आप वर्क करती रहे, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप लोगों के सामने उदाहरण है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा आप लोग इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों के पास में कुछ ना कुछ पॉइंट होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए ऐप काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस तरीके की बात की जा रही है यूपी इन्वेस्टर समिट के बारे में, 2018 के बारे में। ये इन्वेस्टर समिट यहाँ पर इनॉग्रेटेड की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और जो यहाँ पर ये चीफ गेस्ट थे यहाँ पर ये थे रामनाथ कोविंद जी, जो कि यहाँ पर आज के डेट में हमारे प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पर लगभग बात की जा रही है 900 MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने की बात की जा रही है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं। और टोटल लगभग 7000 नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर यहाँ पर रजिस्टर किए गए हैं कि यहाँ पर मतलब इसमें समिट में आकर और अलग अलग फील्ड में काम करने की बात की जा रही है। सिविल एविएशन हो गया, डेयरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म या रिन्यूएबल एनर्जी, फिल्म, हैंडलूम, ये सारे सेक्टर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिनमें वर्क किया जाएगा। अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है तो यहाँ पर जॉब भी मिलती नजर आएगी, अगर जॉब क्रिएट होती है तो कम से कम कहीं ना कहीं हम अपनी नॉलेज का यूज कर पाएंगे और अपनी लाइफ को एक सिक्योर फील कर पाएंगे। तो याद रखिएगा ये हो गया उत्तर प्रदेश हमारा, और यहाँ पर आप लोग देखते हैं थोड़ा जूम मेड में, और इसकी जो कैपिटल है वो है लखनऊ। खासकर स्टेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वैसे नॉर्मली इस तरीके की चीजें इंटरनेशनल जो हमारे जो नेशनल लेवल के जो एग्जाम है उनमें नहीं पूछी जाती है, क्योंकि पर्टिकुलर स्टेट के लिए स्पेसिफिक न्यूज हो जाती है। और देखिए यहाँ पर आज आप लोगों का रिवीजन का यहाँ पर पोर्शन है, ये है आप लोगों के लिए एडवोकेट जनरल। जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं कई बार हमारी जो फैमिली मेंबर में नए फैमिली के मेंबर आते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हम पॉलिटी भी डिस्कस कर रहे हैं, जो शाम को आप लोगों के लिए लेक्चर आता है पॉलिटी हमारी चल रही है, तो इसमें हम लोग यहाँ पर रिविजन भी कर रहे हैं साथ साथ में। तो यहाँ पर एडवोकेट जनरल आप लोग देख सकते हैं, इसका जाकर रिवाइज कीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को लिंक यहाँ पर भी मिल जाएगा, फेसबुक पर भी लिंक, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, और इसके अलावा PDF डाउनलोड करेंगे यहाँ पर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो रिविजन करते रहिए साथ साथ में, काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है।
अब देख लेते हैं थोड़ा योजना का पोर्शन। योजना का पोर्शन स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर जाकर मेंस का आप लोग क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, या फिर बैंकिंग की तैयारी करें तो आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, और एसएससी की तैयारी करें तभी आप लोग इसको ऐसे के तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करिए क्रिटिकली एनालाइज करना है एजुकेशन किस तरीके से एम्पावर करती है जो हमारी रूरल सोसाइटी होती है, मतलब गांव की सोसाइटी होती है, एजुकेशन किस तरीके से वहां पर एम्पावर करती है, किस तरीके से बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इसके बारे में बात की जा रही है। आइए अब आर्टिकल देख लेते हैं, आप अच्छे से इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो नजर डाल लेते हैं अपने आर्टिकल पे, योजना यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ये आर्टिकल आप लोग काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर अगर आप लोग ऐसे लिखते हैं और आप लोग अपना कोई व्यू कहीं पर देते हैं, तो ये आर्टिकल आप लोग जरूर सुना कीजिए, और सुनने के बाद में इनको कम से कम एक बार आंसर लिखने की जरूर कोशिश कीजिए, भले ही थोड़ा लिखिए पर लिखिए जरूर। ओके, तो बात की जा रही है इंश्योरिंग ए राइजिंग ए टाइड, तो मतलब जिस तरीके से आप लोगों ने टाइड सुना होगा, ज्वार भाटा सुना होगा वो आता है, तो कहीं ना कहीं जो जहाज होते हैं वो किनारे तक आ जाते हैं उसी की वजह से। तो इसी तरीके का रोल प्ले करती है यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम जब प्रोवाइड कराई जाती है तो वो कहीं ना कहीं जो लोग रहते हैं, जो खासकर जो पिछड़ा तबका रह जाता है हमारी सोसाइटी का, जो पुअर सोसाइटी रह जाती है हमारी, उसको साथ में लाने की काम की जाती है। सिक्योरिटी के तहत जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है, चाहे हेल्थ की हो चाहे एजुकेशन की हो, मतलब हेल्थ में और एजुकेशन में इंश्योरेंस या फिर कोई फायदा प्रोवाइड कराना फ्री में, जो गरीब बच्चे हैं उनका एडमिशन करवाना, जो बीपीएल होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन उनको अलग से सुविधा प्रोवाइड कराना, तो ये सारी सोसाइटी में जो स्कीम प्रोवाइड कराई जाती है कहीं ना कहीं ये टाइड का काम करती है। जिस तरीके से जहाज जो होता है, जहाज को किनारे तक लाया जाता है टाइड की वजह से, और वहां पर फिर उसे सामान उतारा या भरा जाता है उसमें, वही ये काम करती है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। नॉर्मली तो अगर देखा जाए उनकी इतनी कमाई नहीं होती है उनके पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करा सके, पर लेकिन इसी की वजह से जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, हमारी सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं उनके बच्चे भी पढ़ लिख पाते हैं। और मैंने इसलिए आप लोगों को बोला था, अगर जब भी आप लोगों को टाइम मिला करे वीकेंड में, तो आप लोग कम से कम एक घंटा निकाल के किसी भी बच्चों को वीकेंड में पढ़ा सकते हैं। आप लोगों को भी देखे दिल की तसल्ली मिलेगी, इतना अच्छा आप लोगों को अंदर से लगेगा ना, आप लोगों को लगेगा वाह वाकई में यार कुछ कर दिया है। तो जब भी आप लोगों को टाइम मिले पढ़ाई जरूर कीजिए बच्चों को। ठीक है, तो बात क्या की गई यहाँ पर, यही बात की गई है कि कम से कम सोशल सिक्योरिटी स्कीम कुछ हद तक तो यहाँ पर अपना रोल प्ले करती है, पर लेकिन दिक्कत कहां पर आती है, वो स्कीम हम किसी पर्टिकुलर रीजन में इंप्लीमेंट कर देते हैं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए इंप्लीमेंट कर देते हैं, वो हम लोगों को ऑल ओवर उसका इंप्लीमेंटेशन देखना चाहिए, मतलब जहां जहां पर भी जो जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको कवर करके चलना चाहिए। किसी स्टेट में तो बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाती है और किसी स्टेट में उसको टच भी नहीं किया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी की वजह से आप लोगों को बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जितने अच्छे लेवल पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा उतने अच्छे लेवल पर हम लोगों को यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा इनपुट आप लोग प्रोवाइड कराएंगे वैसा इनपुट देखने को मिलेगा। कहावत भी आप लोगों ने सुनी होगी ना, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। अब ये तो है नहीं आप लोगों ने लगा दिया कहीं पर जाकर यहाँ पर एप्पल का पेड़ और आप लोगों को वहां पर अमरूद मिलेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एप्पल ही मिलेंगे, और अगर लगाओगे अमरूद का तो अमरूद मिलेंगे। तो जैसा आप लोग जैसी मेहनत करोगे वैसे ही आप लोगों को फल मिलने वाला है यहाँ पर। तो इसीलिए बोला जाता है एजुकेशन की बात कर लीजिए, हेल्थ की बात कर लीजिए, स्किल की बात कर लीजिए, तो जिस तरीके से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जा सकती है अगर अच्छे से उनको ऐसी सिक्योरिटी की स्कीम प्रोवाइड कराई जाए तो काफी अच्छा देखने को मिलेगा, और हमारी इकोनॉमी में बहुत फायदा होगा। क्योंकि जो इंसान आज के डेट में विल्ला घूम रहा है, जिस इंसान के पास में कोई काम नहीं है, अगर उस इंसान को कोई काम करने के लिए लगा दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, अपना एक ढंग से अपनी लाइफ को जी पाएगा, वरना क्या करेगा, कहीं पर चोरी करेगा, कहीं पर डकैती करेगा, किसी का गला काटेगा, उल्टे सीधे हरकत करेगा अगर इंसान के पास में कोई काम नहीं रहता। तो बात सुनी होगी ना आप लोगों ने, खाली खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो एक्टिविटी होने स्टार्ट हो जाती है। पर लेकिन जैसे ही थोड़ा भी काम मिल जाता है तो आदमी अपने आप को एक प्रॉपर वे में डायरेक्शन देने लगता है। ठीक है, सुल्तान मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी, उस टाइम से जब बोलता है ना कि अब लाइफ में हम लोग सीरियस की तरफ को चल पड़े हैं, तो कुछ ऐसे ही काम यहाँ पर लग जाता है। अगर आप लोगों को कोई भी थोड़ी भी जॉब यहाँ पर मिल जाती है तो इंसान किसी ना कुछ अच्छा सोचने लगता है कि हाँ अब ये हो रहा है थोड़ा अच्छा कर लेता हूँ यार, ये हो जाएगा उससे बाद में फिर ये हो जाएगा, तो कुछ ऐसी कनेक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलती होगी, ऐसी आप लोगों को पढ़ाई में देखने को मिलती होगी। जो स्टूडेंट है अगर वो थोड़ा पढ़ लेते हैं तो उनको क्या लगेगा, यार थोड़ा ये भी कवर कर लेता हूँ, क्या पता इससे क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा ये कर लिया जाए, क्या पता ये और अच्छा हो जाए, तो वो बातें भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्डनेस तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कम यहाँ पर कम होती हुई नजर आती है। दो सोशल रिफॉर्मर का जिक्र किया गया यहाँ पर, ईश्वर चंद विद्यासागर और विवेकानंद जी, बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इन्होंने एजुकेशन के लिए। बोला था अगर सोसाइटी में एजुकेशन रहेगी तो सोसाइटी को बहुत अच्छे से इंप्रूव हम लोग कर सकते हैं, इंपावर हम लोग कर सकते हैं, और वुमेन एजुकेशन पे तो बहुत ज्यादा फोकस दिया था। ईश्वर चंद विद्यासागर जी के बारे में आप लोग जाकर पढ़ेंगे तो आप लोगों को जानने को मिलेगा, इन्होंने एक विडो से शादी की थी, मतलब एक विधवा से शादी की थी, और सोसाइटी में एजुकेशन के लिए बहुत लड़ाई की थी इन्होंने, खासकर उस टाइम पर जब एजुकेशन की बात सुनकर लड़कियों के लिए सब मुंह कतराते थे, मतलब बोलते थे लड़कियों के लिए एजुकेशन की क्या जरूरत है, वो तो वही काम करेगी जो उनको करने के लिए बनाया गया है, सोसाइटी ने बना दिया था उनको कि क्या काम वो करेंगी, बस ओनली मतलब काम ही रहेगा था कि रोटी करेंगी और चूल्हा बर्तन करेंगी, बस ये सब चीजें करेंगी। पर लेकिन उस टाइम पर भी यहाँ पर इनको अवेयरनेस फैलाने के लिए बोला गया था, एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, क्योंकि अगर एक घर में अगर एक महिला पढ़ी लिखी रहती है तो कहीं ना कहीं पूरा घर पढ़ा लिखा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चा जो स्टार्टिंग में रहता है मैक्सिमम वो माँ के पास रहता है, और अगर एक माँ पढ़ी लिखी होती है तो बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा
इंपैक्ट पड़ता है अच्छे वाला, ये बात यहाँ पर आप लोग इसको बोल सकते हैं। बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी स्कीम चलाई जा रही है सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए, आप लोग उज्ज्वला योजना यहाँ पर देख सकते हैं, उज्ज्वला योजना की काफी जिक्र आप लोग देख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात आती है, इसको बढ़ाकर बजट में आप लोगों को देखने को मिलेगा 8 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर आप काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। खासकर इस तरीके की स्कीम ये बच्चों के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि बच्चे माँ के पास में रहते हैं, अगर माँ चूल्हे पे रोटी पकाती है खासकर जिसमें से धुआं निकलता है, तो माँ पे भी इंपैक्ट पड़ता है और बच्चों पे भी इंपैक्ट पड़ता है, तो दोनों ही की हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और फैमिली को काफी नुकसान पहुंचता है खासकर हेल्थ की वजह से। तो इंडोर पॉल्यूशन इसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको भी कम करने की बात की जाती है। कहीं ना कहीं इम्यूनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंपावर होती नजर आएगी हमारी यहाँ पर, अगर हम इन चीजों को यहाँ पर कम कर पाते हैं, और पुअर्टी भी कम होती नजर आएगी। क्योंकि काफी टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा जब जब यहाँ पर कोई आदमी बीमार होता है तो उसकी काफी पॉकेट मनी इसी में खर्च हो जाती है। अगर बीमार नहीं होगा, हेल्थ रहेगा, तो एक तो हेल्थ अच्छी रहेगी, ऊपर से काम करने जाएगा आराम से तो वहां से भी कमा के लाएगा। जब हेल्थ बेकार हो जाती है, हेल्थ तो खराब हो ही गई है, सामने वाला काम भी करने नहीं जा रहा है, तो दोनों ही तरीके से बेकार चीजें हो जाती है। नेक्स्ट बात की जा रही है जनधन योजना के तहत यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट पे यहाँ पर अकाउंट खोले गए, जीरो बैलेंस पर, काफी इंपॉर्टेंट बात हुई। नॉर्मली 1000 लगभग बोला जाता था कि अकाउंट में आप लोगों के बैलेंस होना चाहिए, नहीं है किसी पर्सन के पास में इतना पैसा 1000 बनाने का, तो यहाँ पर अगर जीरो भी है तो तब भी अकाउंट खोला जा सकता है। नई रोशनी स्कीम के तहत यहाँ पर आप लोगों ने देखा वुमेन को एम्पावर करने की बात की गई थी। इसके अलावा आप लोग देखते हैं मानस एंटरप्रेन्योर स्किल प्रोवाइड कराने के लिए अपग्रेडेशन के लिए प्रोग्राम चलाया गया। इसी तरीके से सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम्स होती है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पर नजर आती है, आप लोग थोड़ा इनको यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम पर अगर फोकस देकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग चीजें याद रख सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन अगर हम पर्सन को को देते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है उसके सामने। एजुकेट अगर हम करते हैं तो कई सारे एरिया में खुद भी इंसान सोच सकता है कि हाँ ये कर लेता हूं यार, ये कर लेता हूं, इतना कर लेता हूं, अब ये कर लेता हूं, तो कहीं ना कहीं एक आप लोग बोल सकते हैं एक अच्छी सोचने की थिंकिंग डेवलप हो जाती है। तो एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसी तरीके से बोला जाता है हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए यहां पर स्किल्स में और टीचर में, तो ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। यहां पर इसका कॉपी हो गई सेकंड टाइम। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखेगा, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बातें। अब आई होप कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया। आप लोग अब क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा और एक दूसरे का आंसर रिव्यू कीजिए। जो क्वेश्चन आप लोग पोस्ट किया करते थे वो क्वेश्चन पोस्ट करते रहिए, ठीक है। अब जितना एग्जाम पास आता जा रहा है ढील बिल्कुल नहीं बरतनी है किसी भी लेवल पर आप लोगों को। ये आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। आईएनएस यहाँ पर कालावेरी के बारे में जिक्र किया गया, किस तरीके से इनका नाम दिया जाता है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा इनका नाम दिया जाता है, ये आप लोग याद रखेगा। फिश लेटर के बारे में जिक्र किया जा रहा है, ये क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके ऊपर पूरा लेक्चर ले चुका हूं पॉलिटी के तहत, आप लोग जाकर देख सकते हैं, सारे लेक्चर आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे। जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं वो आप लोग देख लेके, अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ता है और क्वेश्चन पूछता है पॉलिटी के बारे में तो उसको आंसर आप लोग दे दिया कीजिए कि कहां पर लेक्चर है, कहां से क्या कर सकता है ये, ठीक है। और देखिए पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों से देखिए कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं, जो काफी आधी से ज्यादा पीडीएफ तो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं, आधी बची हुई है उनको भी जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जैसे पढ़ाया था ना तो उस टाइम पर मैंने पीडीएफ काफी हद तक सेव नहीं की थी, ठीक है, क्योंकि कई सारी बातें होती हैं आपको, वो चीजें मैं बाद में बताऊंगा रीजन क्या है उसका। देखिए अगर किसी बुक से डायरेक्ट पढ़ाया जाता है ना तो कहीं ना कहीं एक कई सारे इशू बन जाते हैं उसके बेस पे, आप लोग वो समझ पाएंगे जब आप लोगों को समझ में आएगा, कॉपीराइट के इशू बन जाते हैं कई सारे, तो वो सारी चीजें मुझे ध्यान में रख के छोड़ी चलनी पड़ रही है। आप लोगों में पीडीएफ प्रोवाइड जरूर कराऊंगा, पर लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को उसमें चेंज देखने को मिलेगा पीडीएफ में, ओके। नेक्स्ट ये देख सकते हैं मैंने आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे थे, इन क्वेश्चंस के आंसर हैं आप लोगों के सामने। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर महानदी डिस्प्यूट के बारे में बोला गया था, तो किस किस के बीच में है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा किस किस के बीच में, कई बार जिक्र आप लोगों के सामने किया जा चुका, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, याद रखेगा इसके बारे में, ठीक है। बात की जा रही है स्कीम फॉर द अवेयरनेस जनरेशन एंड द पब्लिसिटी, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, किस तरीके से देखिए अगर कोई भी हमारी सोसाइटी में मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम है, देख नहीं पाता है, ढंग से चल नहीं पाता है, तो उसके लिए अगर कोई स्कीम होती है तो आप लोग ये याद रखिएगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है, तो आप लोगों को मैंने पूरा पढ़ाया था यहाँ पर डिटेल में, आरबीआई ने कमेटी सेटअप की थी, ये कमेटी सेटअप की थी कोई फ्रॉड यहाँ पर हो रहा है अगर बैंकिंग सिस्टम में किस तरीके से उसको हटाया जा सकता है, तो ये YH मालेगांव कमेटी का आप लोग नाम याद जरूर रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है खासकर पीएनबी में जो फ्रॉड हुआ है, इस तरीके की बातों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बातें, ओके। तो एक बार रिव्यू देख लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट हमने एलिफेंटा गुफाओं के बारे में जाना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है और अभी काफी दिनों बाद यहाँ पर लाइट पहुंची है 70 साल के बाद में, ठीक है। तो याद रखिए कहाँ पर लोकेशन है, ये भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा यहाँ पर स्टेट झारखंड के बारे में, यहाँ पर महिलाओं ने मिलकर क्या एक अच्छा बहुत उदाहरण दिया है सोसाइटी को, किस तरीके से सोसाइटी को इंपावर किया जा सकता है।
इंडियन ग्लोबल, यहाँ पर बात की थी मैंने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के बारे में, तो ये ग्लोबल समिट हम लोग होस्ट करने जा रहे हैं। इस बार की थीम है कि हम लोगों को प्लास्टिक यूज नहीं करनी है, किस तरीके से उसको रोका जा सकता है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिक्र किया जा रहा है, बोला गया था दार्जिलिंग से ये जो फोर्स है यहाँ पर उनको विड्रॉ करने की बात की जा रही थी। नेक्स्ट आप लोगों को ज्वाइंट सिक्योरिटी रिसर्च के बारे में पता चला, यहाँ पर ज्वाइंट वाटर रिसर्च के बारे में इंडिया और यूके के बारे में, और एनर्जी क्लीन के बारे में हम लोगों ने देखा, कावेरी वाटर के बारे में जान रहे हैं हम लोगों ने कहां कहां से क्या क्या निकल कर आ रही है। नेक्स्ट आप लोगों को जानने को मिला वतन को जानो के बारे में प्रोग्राम, खासकर मिनिस्ट्री जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट आप लोगों यहाँ पर ग्राहक सड़क कोयला ये वितरण, इसके बारे में जा रही है ये इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ग्राहक सड़क कोयला वितरण ऐप के बारे में। नेक्स्ट आप लोगों यहाँ पर देखने को मिला हम लोगों ने जाना सोफिया के बारे में, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट है। नेक्स्ट आप लोगों यहाँ पर जानने को मिला ये हमने कि यूपी इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में जाना, किस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट आप लोगों यहाँ पर योजना का आर्टिकल देखने को मिला, किस तरीके से हम लोगों ने जाना यहाँ पर क्या क्या सिक्योरिटी की स्कीम है जो कि यहाँ पर इंपावर कर सकती है, इनके बारे में हम लोगों ने जाना, तो ये भी आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला, और आप लोग क्वेश्चन जरूर देखने का, आंसर जरूर दीजिएगा इसका, एडवोकेट जनरल का आप लोगों को जाकर अपना रिविजन कीजिएगा इसका। नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, और ये जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछे थे ये आप लोगों के सामने मैंने आंसर दिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए, और प्लास्टिक और पॉलिथीन कम से कम यूज कीजिए, या फिर बिल्कुल भी यूज आप लोगों को नहीं करनी है अगर हो सके तो। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।